ऑनलाइन शिक्षा क्या क्लास में दी जाने वाली शिक्षा का विकल्प बन गई है क्या? अभी जिस तरह से ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, अक्सर मैं टीवी पे देख रहा हूँ, अखबारों में भी छप रहा है, तमाम ग्रुपों में भी चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो स्कूल कैंपेनिंग कर रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा जो है बड़ी तेज़ी से चल रही है, ऑनलाइन शिक्षा से बच्चे सीख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी कमी है कि ऑनलाइन शिक्षा जो सवाल है कि क्या क्लास में पढ़ाई जाने वाली दी जाने वाली शिक्षा का विकल्प बन गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा एक सहायक के तौर पर तो देखी जा सकती है, लेकिन एक क्लास में दी जाने वाली शिक्षा के समरूप खड़े होना, ऑनलाइन शिक्षा में बहुत सारी तकनीकी खामियां हैं जिसके चलते यह सब संभव नहीं है, और ना ही ऐसा है कि क्लास में जो शिक्षा दी जा रही है वो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से दी जा पाए। ऑनलाइन शिक्षा कितना प्रभावी है छात्रों के लिए, कितना असरदायक है? देखिए, ऑनलाइन शिक्षा बिल्कुल जहाँ शिक्षा बंद है इस लॉकडाउन में, जिस तरह से कोरोना की महामारी के चलते सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, ऐसे ही ऑनलाइन शिक्षा एक सहायक के तौर पर तो देखी जा रही है। इससे थोड़ा क्या हो रहा है कि जितने छात्र छात्राएं हैं, जो छोटे बच्चे हैं जिनके पास एक विकल्प नहीं बचा था कि गर्मियों की छुट्टी में, क्योंकि एक समय ऐसा चल रहा था कि जब बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद वो प्रमोट हुए या प्रमोट होना था उनको, और उनके ये दौर चलता है कापी किताबें और उनकी पढ़ाई लिखाई स्टार्ट हो जाती है, नया सेशन शुरू हो जाता है, उस बीच लॉकडाउन होने से सब कुछ बंद हुआ। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि ऑनलाइन जो शिक्षा उनको मिलना शुरू हुई तो बच्चे इंगेज होना शुरू हुए। हालांकि व्हाट्सएप पर और ऑनलाइन शिक्षा में जिस तरह से सोशल मीडिया पर उनको होमवर्क दिया जाने लगा और कई ग्रुप में होमवर्क मिला तो बच्चे इंगेज हुए, बहुत तौर पर देखा जाए तो थोड़ा तो सकारात्मक पक्ष इसका मजबूत हुआ है। ऑनलाइन शिक्षा का नकारात्मक प्रभाव क्या है? ऑनलाइन शिक्षा का सबसे एक ख़राब बात यह है कि ऑनलाइन शिक्षा जो दी जा रही है उसमें निगेटिविटी ये देखी जा रही है कि जो मोबाइल बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी आई साइट वीक है और मोबाइल एक छोटा स्क्रीन है, ऑनलाइन शिक्षा में कहीं टेलीविज़न पे तो मिल नहीं रहा है, यह सारी व्यवस्था जो है वो मोबाइल से दी जा रही है। अब ऐसी स्थिति में मोबाइल से दी जाने वाली शिक्षा पर उनके पास स्क्रीन छोटा है, टेक्स्ट छोटा है, वो टेक्स्ट जब छोटा दिखाई दे रहा है उनको कहीं दिक्कत आ रही है, तकनीकी दिक्कत आ रही है, या मोबाइल की कंपैटिबिलिटी नहीं है, और या फिर ऐसी भी शिकायतें हैं कि बच्चों को आँखों में काफ़ी देर तक मोबाइल में वो आँख गड़ाए रहे, बड़े ध्यान से लीड लगा के सुनते रहे, तो इस तरह का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। और यह सबसे ख़राब बात यह है कि जिन चीज़ों से हम बचाने की कोशिश कर रहे थे उन्हीं चीज़ों को फिर दोबारा से लोड दे रहे हैं, तो यह बच्चों के लिए एक स्वास्थ्य पर और आंखों पर नकारात्मक निगेटिव इफेक्ट जरूर डाल रहा है। इस तरीके से आपने नकारात्मक प्रभाव बताया, उसी तरीके से सकारात्मक पक्ष क्या है? इसका सकारात्मक पक्ष एक विशेष ये देखा जा सकता है कि ऑनलाइन शिक्षा जो है आने वाले भविष्य में अगर इसकी तकनीकी कमियों को दूर किया जाए तो फिर ये आने वाला जो भविष्य है इसका ये बहुत अच्छा हो सकता है। इसमें एक विशेष बात ये देखने को है कि जिस तरह से टेलीविज़न पे UGC के प्रोग्राम आते हैं, DD के कई सारे चैनल हैं, दूरदर्शन के ऐसे चैनल हैं जहाँ शिक्षा दी जाती है, तो वो क्या व्यवस्था है? वो व्यवस्था वो है कि टेलीविज़न पर जो भी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम्स चलते हैं उनके दिए जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो उनको पढ़ाया जाता है, इस तरह से अगर बड़े स्क्रीन पर बड़ी व्यवस्था के साथ पहले से ही अगर इसका एक पूरा टेक्निकल फॉर्म तैयार किया जाए और एक फॉर्म के तहत पूरा कार्य किया जाए, बच्चों को भी लोड ना हो, तो ऑनलाइन शिक्षा जो है किसी तरह से बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो सकती है। दूसरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि वो सकारात्मक के तौर पर वह बड़ी व्यवस्था है, उसके लिए गार्जियंस को भी मानसिक तौर पर तैयार रहना पड़ेगा, बच्चे को भी मानसिक तौर पर तैयार रहना पड़ेगा, और उसके लिए पूरी तरह से ये टेक्निकल एक पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम को लागू करना पड़ेगा, उसके बाद ही यह और सकारात्मक पक्ष अपना दिखा पाएगा। अच्छा, तकनीकी बाध्यता और सामाजिक परेशानियां क्या क्या हैं? हाँ, तकनीकी बाध्यता ये है कि जो मैंने अभी बताया था कि जिस तरह से मोबाइल में चल कर रहे हैं तो मोबाइल में नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको इंटरनेट, उनके गार्जियंस, ग्रामीण परिवेश के लोग मोबाइल और टेक्निकल व्यवस्थाओं से उतने मजबूत नहीं हैं, ना ही उतने सुसंगत हैं, बहुत अच्छे मोबाइल नहीं हैं, बहुत अच्छा नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट की स्पीड स्लो है, या बहुत से ऐसे परिवार हैं जो 2G फ़ोन आज भी इस्तेमाल करते हैं कीपैड, उन तक ये शिक्षा नहीं पहुँच पाई, तो यह थोड़ी सी तकनीकी खामियाँ हैं और इस तरह की जो परेशानियाँ हैं यह उनके सामने बहुत बड़ी हैं। यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसके लिए एक बहुत बड़े प्रारूप की ज़रूरत है, उसके बाद ही हो सकता है। अच्छा, ये और जिस तरीके से ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर क्या शोषण की भी संभावना है? बिल्कुल, ऑनलाइन शिक्षा जिस तरह से अभी एक प्रैक्टिकल के तौर पर देखा गया कि लॉकडाउन के दरमियान ऑनलाइन शिक्षा जब प्रयोग की जा रही थी
तो कुछ विद्यालयों से ऐसी सूचनाएं आने लगीं कि विद्यालयों ने क्या किया कि ऑनलाइन के नाम पर अपने खर्चे निकालने के लिए गार्जियंस से पैसे मांगने शुरू कर दिए। इस तरह की अक्सर सूचनाएं ग्रुपों में आईं कि प्राइवेट स्कूल वालों ने क्या किया कि वो कह रहे हैं कि फीस लेकर के जमा कराओ और बाकी की चीज़ें उन्होंने अपने तरीके से उनको मोटिवेट करना शुरू किया। तो ये बहुत बड़ी संभावना है क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है ये, और जाहिर सी बात है कि कुछ विद्यालय इन चीज़ों में आगे आए और उन्होंने ये सोचा कि किसी न किसी तरह से गार्जियन से पैसे लिए जाएं, एक माध्यम बनाया, एक बहाना ढूंढा कि जिस बहाने के अंतर्गत वह पैसे की व्यवस्था की। दूसरी, ऑनलाइन के नाम पर एक टॉर्चर ये होने लगा कि आपको शिक्षा दी जाने लगी, आप क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहे। लेकिन गार्जियंस के सामने जो टेक्निकली दिक्कत आई, बाकी की जो समस्याएँ आई, इससे थोड़ा सा ये लग रहा है कि इसमें शोषण की संभावना भी बढ़ रही है। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा नेगेटिव, कि अगर ऑनलाइन शिक्षा में आपका अपना सॉफ्टवेयर नहीं है तो डेटा हैक होने की संभावना है, आपके मोबाइल में डेटा पूरा रिकवर कोई भी दूसरा चुरा सकता है, इस तरह की संभावनाएं बढ़ती हैं, ऑथेंटिकेट ऐप नहीं यूज़ हो रहे हैं, तो यह सबसे बड़ी परेशानी है। दूसरी, जो पहला सवाल था उसमें कुछ चीज़ें ये मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर ये कहा जाए कि कच्ची क्लास के विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है, तो मैं उसके लिए एक छोटा सा मैं बताऊँ कि जिस प्रकार से किसी भी शिक्षा, जब बच्चे को शिक्षा दी जाती है क्लास में, तो उसका सर्वांगीण विकास किया जाता है, जैसे कि उसको मानसिक तौर पर मजबूत किया जाता है, उसको एक उत्तरोत्तर शिक्षा दी जाती है जिसमें सवाल जवाब होते हैं, प्रयोगात्मक व्यवस्थाएं होती हैं, यह सब ऑनलाइन में संभव नहीं है। इसीलिए इसका नेगेटिव पॉइंट भी बहुत बड़ा है।